ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इतने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्या क्या रिवील हो चुका है, किन आईफोन्स पे बेस्ट ऑफर्स देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो बैनर तो रिवील हो चुका है, बट करेंटली यहाँ पे दोनों पे ही कमिंग सून शो कर रहा है। एंड हर बार की तरह यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने उसका रिवील कैलेंडर लिस्ट कर दिया है, जहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे किस दिन किस ब्रांड्स के डील रिवील होंगी। तो स्पेसिफिकली बात करें एप्पल की, यहाँ पे 23rd of September को इसकी डील्स रिवील होंगी, बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक्चुअल प्राइसिंग नहीं बताई जाएगी, जस्ट थोड़ा ज्यादा हिंट दे दिया जाएगा। एज एप्पल प्रोडक्ट्स की जो एक्चुअल प्राइसिंग रहती है वो सेल स्टार्ट होने पे ही पता चलती है, स्पेशली वो प्रोडक्ट जो कि सेल का मेन फोकस रहने वाला है। अब सेल की एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो रिवील कैलेंडर के 2-3 दिन के बाद यहाँ पे सेल लाइव हो जाती है, एंड आपको 1 दिन का अर्ली एक्सेस मिलता है फॉर फ्लिपकार्ट प्लस एंड अमेजोन प्राइम मेंबर्स के लिए। तो हाई चांसेस है दैट ये सेल 27th of September को स्टार्ट हो जाएगी फॉर प्लस एंड प्राइम मेंबर्स, अगले दिन मीन्स 28th of September को सभी यूजर्स के लिए। बट ये केवल एक्सपेक्टेशन है एंड बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स। एक्चुअल सेल की डेट यहाँ पे 1 दिन आगे पीछे हो सकती है, वो आपको जल्द पता चल ही जाएगा। हाँ, ये चीज कंफर्म है, आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे 1 ही दिन सेल देखने को मिलेगी, ये चीज हमेशा ही होती है। कार्ड ऑफर्स की बात करें तो फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे इस बार गेम थोड़ी बदल गई है। इस बार आपको HDFC बैंक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पे ऑफर देखने को मिलेगा, इसी के साथ एज ऑलवेज फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे, जिसमें आपको एडिशनली 5% और डिस्काउंट मिल जाता है। अमेजोन पे वही सेम है, आपको SBI बैंक के डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे ऑफर मिलेगा। अब डिस्काउंट कितना मिलेगा, सो फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अप टू 1500 रुपीज, बाकी 50,000 रुपीज के ऊपर के प्रोडक्ट पे डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ सकता है अप टू 2000 रुपीज। एंड अमेजोन पे भी आपको वही 1000 से लेकर 1500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, एंड डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड पे थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड। फाइनली बात करते हैं प्राइसिंग एंड ऑफर्स की। सो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे एंटायर आईफोन 15 सीरीज लिस्ट हो रखी है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड भी था। इन्हें यहाँ पे क्लियरली मेंशन करा हुआ है मोस्ट अवेटेड डील ऑफ द ईयर विच इज आईफोन 15। इन सभी आईफोन्स की प्राइसिंग में यहाँ पे एंड में केवल 9 देखने को मिल रहा है। सो इन सभी आईफोन्स की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें, सो आईफोन 15 अराउंड 52,000 रुपीज में आएगा, एंड उसके ऊपर से यहाँ पे 2000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट, जिसके बाद इसकी प्राइसिंग अराउंड 50,000 रुपीज हो जाएगी। एंड अगर इससे कम आता भी है तो 50,000 रुपीज का आएगा, एंड कार्ड ऑफर्स के बाद 48,000 रुपीज, पर ऐसा होने के चांसेस थोड़े कम ही है, ऐसे प्राइसिंग बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ेगी एंड फ्लिपकार्ट की बहुत बदनामी हो जाती है। वही आईफोन 15 का 256 GB वेरियंट अराउंड 62,000 रुपीज का, आफ्टर कार्ड डिस्काउंट 60,000 रुपीज का। आईफोन 15 प्लस के 128 एंड 256 GB की प्राइसिंग 60,000 and 70,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली, एंड इस पे भी एडिशनली 2000 रुपए का कार्ड डिस्काउंट। अब प्रो मॉडल्स की बात करें तो ये तो किस्मत वालों को ही मिलेगा, देखते देखते हो जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। 15 प्रो आ सकता है अराउंड 1,10,000 रुपए का, एंड 15 प्रो मैक्स अराउंड 1,25,000 रुपए का, पर इन पे कार्ड डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा रहता है अराउंड 5,000 से लेकर 6,000 रुपए तक। अच्छा, वही अमेजोन की बात करें तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली आईफोन 13 को दोबारा से लिस्ट कराऊंगा पिछले साल की तरह ही, तो इतना तो पक्का आपको अमेजोन पे आईफोन 13 की डील देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे इसकी मिनिमम प्राइसिंग शो हो रही है 38,999,000 रुपीज, एंड ये ऑब्वियसली बेस वेरिएंट के लिए ही है, इसके ऊपर से आपको 1,000 से लेकर 1,500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वही ले देके आपको आईफोन 13 37,000-38,000 रुपीज का मिलेगा, जो कि हमने एक्सपेक्ट करा ही था। तो आईफोन 13 की प्राइसिंग तो एकदम ही बढ़िया है, बट हमने इसको एक्सपेक्ट फ्लिपकार्ट पे करा था, आईफोन 14 को अमेजोन पे। एंड शॉकिंगली यहाँ पे आईफोन 14 का कहीं भी नामो निशान नहीं है फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, तो देखते हैं आगे जाके यहाँ पे आईफोन 14 लिस्ट होता है या फिर नहीं। इसी के साथ अमेजोन पे आईपैड 10 जनरेशन की प्राइसिंग पे लिस्ट करी हुई है 2-999, सो आई गेस 27,000-28,000 रुपीज तक जा सकता है। एज ऑफिशियली एप्पल पे इसकी प्राइसिंग 35,000 रुपीज है, एंड वैसे 25,000-26,000 रुपए में आ जाता है, तो काफी बढ़िया डील होगी। एंड इसी के साथ हर साल की तरह मैकबुक एयर M1, जिसपे ज्यादा कुछ रिवील तो नहीं करा हुआ है, सो ये भी आपको 55,000 से लेकर 60,000 रुपए के बीच देखने को मिलनी चाहिए, कंसिडरिंग इट्स एज काफी पुरानी हो चुकी है। वैसे फ्लिपकार्ट पे भी टैबलेट के सेक्शन में यहाँ पे आईपैड 10 जनरेशन शो हो रहा है, बट वो अभी लॉक है, उसमें क्लिक नहीं हो पा रहा है। सो धीरे धीरे करके दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पे चीजों को रिवील करते ही रहेंगे, एंड आपको सभी अपडेट्स देता ही रहूंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। अब वैसे जिस तरीके से यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आईफोन 14 सीरीज का कोई भी नामो निशान नहीं है, यहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। लेट्स सी, ऐसे भी काफी दिन है, तो क्या पता डील रिवील हो जाए। वेल, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस आईफोन को परचेज करने का प्लान कर रहे हो, एंड कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड आपको सेल के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलती रहेंगी, एंड मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन।